Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. बेटी सुहाना बिकनी में अपनी एक तस्वीर की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई। सुहाना की तस्वीर उनकी मां गौरी खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें बिकनी पहने सुहाना अपने छोटे भाई अब्राम और ममेरे भाई अर्जुन और ममेरी बहन आलिया के साथ दिखी। ये तस्वीर गौरी खान ने फ्रांस में छुट्टियों के समय स्विमिंग पूल के पास ली। बिकनी में सुहाना की इस तस्वीर को कई लोगों ने पसंद किया तो कई लोगों ने उन्हें पूरे कपड़े पहनने की नसीहत दे दी। ये पहली बार नहीं है जब सुहाना बिकनी में नजर आई हो, बल्कि इससे पहले भी उनकी बिकनी में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आ चुकी हैं। हाल ही में सुहाना एक तस्वीर की वजह से ट्रोल हुई थी, जिसमें वो अपने पिता शाहरुख को किस करती नजर आई थी, लेकिन शाहरुख खान ने अभी तक सुहाना की तस्वीरों पर ट्रोल का जवाब नहीं दिया। सलमान के साथ दबंग टूर पर गई कैटरीना कैफ ने एक वीडियो शेयर किया। कैटरीना की इन तस्वीरों को उनके फैंस ने तो पसंद किया, लेकिन एक्टर अर्जुन कपूर ने इस वीडियो को देखकर उनका मजाक उड़ाया और वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि तुम्हारे बालों में डैंड्रफ हो गया है, जिसे तुम हर तरफ फैला रही हो। इस वीडियो में कैटरीना ऐसा पोज देते हुए नजर आई जिसमें उनके बालों से पाउडर उड़ रहा है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया पाउडर एंड अर्थ। अर्जुन कपूर के अलावा डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने भी कैटरीना का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया आराम से। हालांकि सोनम कपूर और करण जौहर को तो कैटरीना का वीडियो बहुत पसंद आया। करण जौहर ने तो वीडियो पर दिल की इमोजी के साथ सो हॉट लिख दिया। बुधवार को शेयर किए गए इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि अर्जुन कपूर के मजाक वाले कमेंट को भी 5000 से ज्यादा बार लाइक किया गया। शाहिद कपूर अपनी पत्नी मीरा राजपूत के साथ हाथों में हाथ डालकर एक बिल्डिंग के बाहर निकलते नजर आए और ये तस्वीरें मुंबई के चाइनीज फूड आउटलेट के बाहर की है, जहां शाहिद और मीरा दोनों लंच के लिए गए थे। मीरा ने सफेद रंग की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी जिसमें उनका बेबी बंप साफ नजर आया। साथ चलते हुए शाहिद मीरा का बेहद ख्याल रखते नजर आए। मीरा ने खुद इस लंच से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि खुशियां मेरे साथ और मेरे भीतर। मीरा दूसरी बार मां बनने वाली हैं। अप्रैल में शाहिद ने इस बारे में सोशल मीडिया पर बताया था। इस खास समय में शाहिद अपनी शूटिंग से समय निकालकर मीरा के साथ क्वालिटी टाइम बिताते देखे जाते हैं। इसके अलावा अक्सर मीरा के दोस्तों के साथ शॉपिंग और आउटिंग की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं और उनके स्टाइल और फैशन से जुड़ी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। वैसे इसके अलावा अक्सर मीरा की दोस्तों के साथ शॉपिंग और आउटिंग की तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं और उनके स्टाइल और फैशन से जुड़ी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं। जिनके साथ मीरा अपनी प्रेगनेंसी से जुड़े अपडेट सोशल मीडिया पर देती रहती हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इंस्टा स्टोरी में लिखा कि उन्हें प्रेगनेंसी के तीसरे सेमेस्टर में पिज्जा खाने का बहुत मन हुआ। इसके अगले दिन मीरा ने शेजवान चीज डोसा और नारियल की चटनी की तस्वीर शेयर की। इसके अलावा मीरा ने शॉपिंग का भी एक वीडियो शेयर किया जिसमें सेल में की गई खरीदारी को लेकर वो बेहद खुश नजर आईं। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची सपना चौधरी ने डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जो कि वायरल हो गया। अक्सर सूट सलवार में शो करने वाली सपना चौधरी इस वीडियो में वेस्टर्न लुक में नजर आई और दावा किया जा रहा है कि ये पहला मौका है जब सिंगर और डांसर सपना चौधरी ने वेस्टर्न ड्रेस में स्टेज परफॉर्मेंस दी हो। इस बीच सपना ने हरियाणवी गानों पर डांस किया। इस मौके पर सपना चौधरी का बदला हुआ अंदाज नजर आया। उन्होंने ब्लैक कलर की डिजाइनर ड्रेस पहनी हुई थी जिसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की। हालांकि सपना ने गाने में इंडो वेस्टर्न लुक भी, अब बताया जा रहा है कि सपना चौधरी ने हाल ही में अपना मेकओवर करवाया है। उनका ये लुक कुछ फैंस को पसंद आ रहा है। बिग बॉस में साथ काम कर चुके हितेन और अर्शी खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो बादशाह फिल्म के एक गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं और ये दोनों राजीव खंडेलवाल के टॉक शो जज्बात में पहुंच चुके, जहां दोनों ने अपनी जिंदगी से जुड़े कई किस्से शेयर किए। आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और वरुण धवन जादूगर मैजिक सिंह की ट्रिक्स की तारीफ करने लगे। ये लोग मुंबई में आमिर के घर पर डिनर पार्टी पर पहुंचे थे, जिसमें आमिर और उनकी पत्नी किरण राव ने कुछ करीबी दोस्तों को ही बुलाया और उनके मनोरंजन के लिए खास तौर से लंदन से जादूगर मैजिक सिंह आए। आमिर के बुलावे पर मैजिक सिंह का जादू देखने के लिए आशुतोष गोवारिकर और फातिमा सना भी उनके घर पहुंचे, जिनके लिए आमिर खान ने डिनर होस्ट किया और इस पार्टी की तस्वीरें फातिमा सना शेख और खुद मैजिक सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें आमिर, सचिन और वरुण धवन मैजिक सिंह को घेर कर खड़े हो गए। इसके बाद मैजिक सिंह ने ताश की गड्डी सचिन की हथेली पर रख दी और तीनों से उनकी पसंद के बारे में सवाल किया। I didn't change it to black. You, ooh, okay. Purple. So Sachin, you can stay with clubs or you can change the spade. It's your choice.
Club. Oh, we're going to say, okay. So we've only changed the number. Mm. So we've ended up nine of clubs. Nine of clubs. तीनों ने मिलकर चिड़ी का नहला चुना। इसके बाद मैजिक सिंह ने सचिन के हाथ से ताश की गड्डी उठाई और उसे खोला, जिसमें 52 पत्तों के बीच एक ही पत्ता उल्टा था। इस पत्ते को आमिर ने निकाल कर पलटा तो वो चिड़ी का नहला ही निकला। आमिर के इस पार्टी में मौज मस्ती का अनोखा अंदाज उनके दोस्तों को काफी पसंद आया। और इस पार्टी में जादूगर मैजिक सिंह के साथ उनके हाथ की सफाई का भी ये वीडियो सामने आया, जिसमें आमिर और मैजिक एक कालीन पर आमने सामने बैठे दिखाई दिए, जिसमें मैजिक सिंह ने आमिर के हाथ में हुकुम के एक एक का पत्ता रखा और फिर मैजिक सिंह के कहने पर उसे पलट कर देखा। इसके बाद मैजिक सिंह ने अपने हाथ में चूड़ी का इक्का निकाला और उसे भी आमिर के हाथ में रखने से पहले उनके दंग हो जाने का दावा किया। मैजिक सिंह की चुटकी बजाते ही आमिर के हाथ में रखे ताश के दोनों पत्ते बदल गए। आमिर की इस पार्टी में मौजूद वरुण धवन, अंजलि तेंदुलकर, आशुतोष गोवारिकर और सचिन ने इस जादुई मनोरंजन के लिए मैजिक सिंह को शुक्रिया कहा। परिवार के साथ यूरोप में छुट्टियां मना रहे शाहरुख खान ने सोशल मीडिया पर अपने छोटे बेटे अब्राम का एक वीडियो शेयर किया और इस वीडियो में अब्राम कबूतरों को दाना डालते दिखाई दे रहे हैं। और इस वीडियो पर शाहरुख खान ने 17 साल पहले आई अपनी फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे को याद करते हुए एक बार फिर आओ आओ लिखा था। वायरल हो रहे इस वीडियो में अब्राम ने कबूतरों को दाना डाला और ये भी बताया कि उन्हें दाना पसंद आ रहा है। इससे पहले शाहरुख खान और गौरी ने छुट्टियों की कई और तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात लिखी थी।